बड़ी खबर जिस पर नजर लगातार बनी हुई है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आजम खान यूपी के रामपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें मुलायम सिंह का नाम नहीं है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवेन, पिताजी का आशीर्वाद है या नहीं साथ में? देखिए, अगर सूत्रों की बात की जाए समाजवादी पार्टी के, तो साफ तौर पर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव पिछले काफ़ी दिनों से ठीक सेहत नहीं उनकी चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले बात यह भी हो रही थी कि मैनपुरी की जो उनकी सीट है उस पर मायावती उनके लिए प्रचार करेंगी, उसकी वजह भी यही थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको ठीक से इतनी बड़ी गैदरिंग को और लगातार कैंपेन करना इतना आसान नहीं होगा, शायद इसीलिए उनका नाम अभी स्टार प्रचारकों में नहीं शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है, उन लोगों को जिम्मे जो काम दिया गया है उसमें तमाम वो बातें कही गई हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पुरजोर कोशिश की जाए जिताने की। और उसमें कुछ छोटी मीटिंग्स मुलायम सिंह यादव भी बाद में करेंगे, लेकिन उनको इस लिस्ट में नहीं रखा गया क्योंकि बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है समाजवादी पार्टी का, जिसमें कई कैंडिडेट्स के सपोर्ट में और पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पार्टी की तरफ से उनको वकालत करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, एड्रेस करना पड़ेगा रैली को। और अभी जिस तरह के हालात हैं सूत्रों के मुताबिक, अभी उनके लिए इतना मुमकिन नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं रखा गया। लेकिन अंदर कोई विरोधाभास अभी नहीं है जहां तक की सूत्रों की बात है, और किसी भी कोई नाराजगी या किसी को जानबूझ करके टारगेट करने की कोशिश नहीं हुई है। लेकिन कब उनका नाम आगे शामिल किया जाएगा या बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा ये साफ नहीं किया गया है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ेंगे और रामपुर से आजम खान लड़ेंगे, जो कि